hello friends welcome to Desi commerce where we will provide online coachings of accounts and financial management for class plus 1 plus 2 bcom and mba सो so, बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों डू वॉच पार्ट वन बिकॉज जो पार्ट टू है ना इसका लिंक है पार्ट वन से पार्ट वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड आई बटन में भी एक लिंक आ रहा होगा सो so, बच्चों पिछले पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि एसेट की वैल्यू क्यों कम होती है ठीक है चलो अब शुरू करते हैं हम अपना पार्ट टू तो बच्चों मेरे को अब आपको एक तो ये पॉइंट क्लियर करना है कि डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ के चलें और मेरे को दूसरा पॉइंट ये क्लियर करना है कि सर ये जो आपने लिखवाया है खर्चा होता है नॉन कैश एक्सपेंस है और नो कैश आउटफ्लो है इस देयर ये सर प्रूफ तो कीजिए तभी हम आपके चैनल पे आए क्योंकि आप कॉन्सेपचुअली पढ़ा के चलते हैं ठीक है चलिए तो अब इसको एज एन एग्जाम्पल देख के चलते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिखवाई हैं क्या वो सच है क्या वो झूठ है क्या है ठीक है चलिए सो so, एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है मान लीजिए एक बिजनेस है ठीक है यह बिजनेस है यह एक बिजनेस है इसका जो ऑनर है वो आर है मिस्टर आर मिस्टर आर कहते हैं कि जो मेरा बिजनेस है ना वो पता है किस चीज पे चल रहा है मैंने पूछा सर किस चीज पे चल रहा है कहता है, मेरा बिजनेस ना एक मशीनरी पे चलता है मैंने कहा मतलब कहता है एक मशीनरी से ही मेरे को प्रोडक्ट्स बनाता हूँ उसी मशीनरी से ही सब कुछ मेरा जो बिजनेस है उस पर है। अगर वो मशीनरी अगर वो मशीनरी रुक जाती है तो मेरा काम नहीं चलेगा अगर वो मशीनरी रुक जाती है तो मेरा काम नहीं चलेगा अगर वो मशीनरी खराब हो जाती है तो मेरा काम नहीं चलेगा अगर वो मशीनरी बंद हो जाती है तो मेरा काम नहीं चलेगा दैट मीन्स होल एंड सोल दैट मशीनरी इज एवरी थिंग फॉर मिस्टर आर ठीक है कहते हैं सर मैंने वो मशीनरी ना वन लाख रुपीज की ली थी ठीक है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये मेरी मशीनरी बंद हो ठीक है और इस मशीनरी की जो लाइफ है ना ये सर फाइव इयर्स है तो बच्चों इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि पाँच साल के बाद जैसे ही पाँच साल हो जाएंगे कंप्लीट वो मशीनरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी दैट मीन्स उस मशीनरी के बगैर उनका काम नहीं चलता ही एफ टू अगेन परचेज इट बिल्कुल सही अभी तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं बताई मैंने ठीक है उसकी वजह से क्या होगा आफ्टर फाइव ईयर्स ही हैव टू परचेज अ न्यू परचेज ऑफ मशीनरी उसको एक और नई मशीनरी लेनी पड़ेगी पाँच साल के बाद तो वो कहता है कि मैं क्या करूं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि पाँच साल के बाद अचानक से मुझे एक लाख रुपया देने पड़ेंगे मैं क्या करूंगा तो एज एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल आप उनके पास जाते हो आप कहते हो सर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ बताना मैं सही हूँ कि गलत हूँ तो बच्चों सब एक बार मेरे साथ ये चीज लिखो ये मैं आपके थ्रू बुलवा रहा हूं उनको आप एज एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो ठीक है चलिए बच्चों एक चीज लिखो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं आप उसको ये चीज बोल रहे हो मिस्टर आर को सर हर साल आप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अमाउंट आप आर को बोल रहे हो सर ऐसा कीजिए हर साल आप कुछ ना कुछ अमाउंट एस्टिमेट बेसिस पे निकालते रहो कुछ ना कुछ अमाउंट एस्टिमेट बेसिस पे ना निकालते रहो कहां से निकालोगे बच्चों ऑब्वियसली जो प्रॉफिट कमाएगा उससे निकालेंगे ना आउट ऑफ प्रॉफिट्स पॉइंट टू बी नोटेड एज अ खर्चा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप एज एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल आर को बोलते हैं सर हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट से निकालते रहिए ना सर एज अ खर्चा निकालते रहिए उसको खर्च मत कीजिए कंपनी है ना आपकी आपका जो बिजनेस है जो आपको हर साल प्रॉफिट होते हैं उस सो so कॉल्ड उस गुल्लक से उस प्रॉफिट से हल्का सा आप कुछ अमाउंट निकालते रहिए और कंपनी में जो बैग पड़ा है उसमें रखते रहिए कितने सालों तक सर ज्यादा सालों तक नहीं पांच सालों तक ऐसा करते रहिए कुछ 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 अमाउंट आप निकालते रहिए ठीक है सर उससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स आपके पास एक लाख रुपया उस मशीन को लेने के लिए जमा हो जाएगा दैट मीन्स हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट एस्टिमेट बेसिस पे आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ खर्चा निकालते रहिए ताकि ताकि फ़ाइव ईयर के बाद ताकि फ़ाइव ईयर के बाद आपके पास वन लाख रुपीस मशीन खरीदने के लिए के लिए पड़ा हो वो बहुत खुश हो गए मिस्टर आर कहते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया ही स्टार्ट्स डांसिंग कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मैं एक साथ एक लाख का प्रबंध करने से अच्छा है कि मैं हर साल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ निकालता रहूं उसको सेट असाइड रखता रहूं और आफ्टर फाइव इयर्स वो मैं उसको पे कर दूं क्या सर क्या आप मुझे ये एग्ज़ैम्पल से समझा सकते हैं बिल्कुल सर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ आप उस मिस्टर आर को एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे आप कहेंगे सर देखिए ये हो गया फर्स्ट ईयर ये, ये हो गया सेकंड ईयर ये, ये हो गया थर्ड ईयर ये, ये हो गया फोर्थ ईयर और ये हो गया फिफ्थ ईयर सर आपने क्या बोला है एक लाख रुपया वैल्यू है आपकी मशीन की ठीक है सर और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है फाइव ईयर्स सर हर साल आपको प्रॉफिट्स तो होंगे वो कहता है जी बिल्कुल भगवान की कृपा है हर साल मुझे प्रॉफिट होते हैं बहुत अच्छी बात है सर उस प्रॉफिट से हर साल सर आपकी वन लाख की वैल्यू है मशीनरी की और सर इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ पाँच से सर बीस हजार रुपया एज अ खर्चा आउट ऑफ प्रॉफिट्स सर आप हर साल निकालते रहिए आप हर साल निकालते रहिए आप थर्ड ईयर में भी निकालिए फोर्थ में भी निकालिए सर फिफ्थ में भी निकालिए सर थोड़ा थोड़ा निकालेंगे पता भी नहीं लगेगा आपको कि आपके पास अगर इसका टोटल मैं करूँगा वन लाख रुपीज़ आपके पास पड़ा होगा फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी आर स्टार्ट डांसिंग कहो सर ये तो मेरे को आइडिया आया ही नहीं था सर बेस्ट आइडिया है अब से मैं ऐसे ही करके चलूंगा ठीक है आप आ गए अपने घर वापस अब देखिए बच्चों जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा था इट इज एन एक्सपेंस जो आप मेरे को बोल रहे थे ना कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं खर्चा कैसे इट इज एन एक्सपेंस क्यों मैंने अभी पीछे क्या लिखवाया है हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट एस्टिमेट बेसिस पे निकालते रहिए आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ खर्चा एज अ खर्चा निकालते रहिए खर्चा कहाँ से निकलेगा प्रॉफिट से तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने पॉइंट प्रूव किया अपना कि इट इज एन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था बच्चों मैंने नॉन कैश एक्सपेंस ये एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस होता है मुझे बात बताइए बच्चों ये जो आप एक्सपेंस कर रहे हो जो आप एक तरह से अमाउंट निकाल रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या बच्चों ये कैश का किसी से लेन देन हो रहा है नहीं ये कंपनी की ही अमाउंट थी कंपनी में ही पड़ी है एक गुल्लक से निकाल के दूसरी गुल्लक में आपने रख दी है इसलिए बच्चों इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस थर्ड पॉइंट बच्चों नो कैश आउटफ्लो इज़ देयर क्या बच्चों कैश बाहर जा रहा है कंपनी से नहीं सर क्या बच्चों कैश अंदर आ रहा है कंपनी के नहीं सर आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कैश रख दिया है उसको सर हमारा नो कैश आउटफ्लो वाला फ़ीचर बिल्कुल सही का तो क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ मैंने तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक समझाए बिल्कुल क्लियर हो गए हैं आपको तीनों पॉइंट्स तो बच्चों इसको मैं लिख देता हूँ जो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बोले थे ना हैंस प्रूव्ड, ठीक है एक और आपको मजे की बात बताऊं बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक ऑफ अकाउंट्स पता है ना उनको एक वर्ड पता होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ठीक है ये तो बच्चों हमने एज अकाउंटिंग प्रोफेशनल बोल दिया कि हाँ भाई डेप्रिसिएशन एक खर्चा है ठीक है डेप्रिसिएशन को एक तरह से खर्चा शो करो बट एक बहुत अच्छी सी बात है कहते हैं ना एक नॉलेज वाली आपसे बात शेयर करता हूं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी होगी एक चीज होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना सब ने पढ़ी होगी बिगनर्स बिल्कुल टेंशन मत लो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हम सीरीज़ की स्टार्ट में पढ़ के चलेंगे अभी सिंपल ये समझ लो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब हो के चलता है एक तरह से रूल ऑफ अकाउंटिंग कि आपको अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आपको कैसे करके चलना है बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है आपने ज़रूर पढ़ा होगा जो होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट हां जी सर ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा ये बोलता है कि जितने आपके पास रेवेन्यू है उससे रिलेटेड खर्चे भी आपको शो करने पड़ेंगे दैट इज अगर मैं लिख के लिखा के चलूँ ये बोलता है फर्म नीड्स टू रिकोगनाइज फर्म नीड्स टू रिकोगनाइज रेवेन्यू एंड Their related expenses. ठीक है दैट मीन्स फॉर्म जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी अगर रेवेन्यू शो कर रही है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी शो करने पड़ेंगे बट आप हमारे चैनल हैं, इस चीज का भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा देखिए बच्चों मान लीजिए एक रेवेन्यू होता है ठीक है हमें सेल्स हुई हमें हमने सेल्स की उससे मुझे दस हजार रुपये आया क्या ये मैं अपनी बुक में शो करूंगा जी सर बिल्कुल करेंगे तो बच्चों इसको मैं अपनी बुक में शो करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में शो करूंगा एज अ सेल्स है ना अकाउंट्स कहता है ये जो सेल्स आपने शो करी है ना ये किसकी वजह से हुई है ये हुई है क्योंकि मैं रॉ मटेरियल भी लेके आया था तो बच्चों ये आठ हज़ार की कॉस्ट मैं शो करूंगा जो मैं रॉ मटेरियल क्या हूँ बिल्कुल सर आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तभी बच्चों हमारे पास प्रॉफिट आएगा अभी इसमें इतना डीपली मत जाओ सिंपल ऊपर ऊपर से ये समझ लो कि जितने का आप रेवेन्यू शो करोगे उसको उस रेवेन्यू को करने में जितना खर्चा हुआ है ना बच्चों वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे अब डेप्रिसिएशन की भाषा में मैं बात करूं कि अगर आप मशीनरी है इस मशीनरी से आप प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को अगर उस प्रोडक्ट से सेल करके अगर आपको इनकम जा की रेवेन्यू चालीस हज़ार रुपया आता है ना तो बच्चों हर साल मशीनरी पे जो खर्चा हो रहा है दैट मीन्स मशीनरी से जो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है हर साल मैं इकट्ठी कर रहा हूँ अमाउंट मशीनरी लेने के लिए पाँच साल में मान लीजिए बीस हज़ार है तो बच्चों वो बीस हज़ार की जो डेप्रीसीशन है इसको भी मैं एज एन एक्सपेंस शो करना पड़ेगा मशीनरी से अगर रेवेन्यू हुआ है तो मशीनरी का खर्चा भी मुझे शो करना पड़ेगा ठीक है ये सुनते ही ना ये सुनते ही जो मिस्टर आर हैं वो कहते हैं हे भगवान खर्चा 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 24 घंटे एक्सपेंस की बात हो रही है क्या डेप्रीसीशन से मुझे कोई फायदा भी हो रहा है बताओगे हमने कहा मिस्टर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्यों बी हैप्पी हम बोलते हैं सर प्लीज़ बी हैप्पी कहते कैसे मैं कहूँगा सर बैठिए एक चीज समझाता हूँ आपको डेप्रीसीशन खर्चा है कहता यस बिल्कुल खर्चा है उस खर्चे को हम कहां से लेस करेंगे वो खर्चा कहां से निकालेंगे कहता सर प्रॉफिट से निकालेंगे यस प्रॉफिट से निकालेंगे उसकी वजह से क्या होगा जो हमारे प्रॉफिट हैं क्या वो डाउन होेंगे? वो कहता है यस बिल्कुल सर डाउन होंगे तो एक मेरे को बात सीधी सीधी बताइए अगर प्रॉफिट जो होते हैं वो डाउन होते हैं तो उसकी वजह से जो कॉरपोरेट टैक्स आपने नाम सुना ना आपकी इनकम पे आपके प्रॉफिट पे हम टैक्स दे के चलते हैं क्या अगर प्रॉफिट डाउन हुए तो टैक्स डाउन नहीं होंगे क्या सर कहता यस yes, अब डेप्रिसिएशन मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ है तो बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लॉजिक व्हाई द कंपनी यूजेस अ डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट तो उसको बोलना देर इज एन एडवांटेज इन इट वट टैक्स गेट्स रिड्यूस्ड और एक पॉइंट और बच्चों जो मैं पीछे समझाना भूल गया अगर आपसे कोई पूछे ना कि वाई अगर आपसे कोई पूछे वाई डेप्रीसी इज चार्ज एज एन एक्सपेंस तो बच्चों उसको जरूर बोलना कि आपको लॉजिक तो पता है कि हम क्यों एक्सपेंस मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए आपको बट उस आंसर में जरूर लिख के आना ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर रेवेन्यू है तो खर्चा भी आपको शो करना पड़ेगा तो बच्चों अभी तक हमने क्या समझा के चलाएं हमने ये समझा है कि सर व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड बिहाइंड्रिसिएशन समझाने को बच्चों में सीधी सीधी डेफिनेशन भी आपको बोल सकता था कि डेफिनेशन इज रिडक्शन इन द प्राइस बट बच्चों आपको उसके पीछे का लॉजिक कि क्यों हम करते हैं क्यों थोड़ा 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 पैसा हम हर साल निकालेंगे जिसकी वजह से जो एसेट है आफ्टर फाइव ईयर हम परचेज कर पाएंगे क्यों हम मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसका लॉजिक भी मैंने क्लियर किया प्रोविजन जो टैक्स सॉरी जो टैक्स बनाएंगे टैक्स जो हमारा घटेगा डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से उसका लॉजिक भी मैंने क्लियर किया बच्चों इसके आगे हम पढ़ के चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेप्रिसिएशन के टाइप्स क्या होके चलते हैं क्या मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के ठीक है एंड बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फोगेट टू प्रेस द बेलाइकन थैंक यू